सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो आप सभी को बता दूं, झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी JSSC की तरफ से आपके लिए जो न्यू रिक्वायरमेंट आई थी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में आप इस रिक्रूटमेंट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इससे पहले यदि आप इस रिक्वायरमेंट से जुड़ी जो आपकी न्यू अपडेट के साथ इस रिक्वायरमेंट में अब आपके क्या लिस्ट क्राइटेरिया रहने वाली है, यदि आप इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल पर आने के बाद आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करी है कि क्या क्या न्यू अपडेट के साथ आपकी इस बार की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी आई है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। सो दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आप आने के बाद देख सकते हो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे 1/6/2023 तक से। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 30/6/2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट आप 2/7 तक कर सकते हो, 4/7 तक आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पर कोई भी एडिट करना है तो 6/7 से और 8/7 तक आप यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन में कोई भी प्रकार की एडिट को कर सकते हो। पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो आप यहां देख सकते हो जनरल EWS EBC1 एंड BC2 के लिए 100 रुपये का पेमेंट रखा गया। इसी के साथ SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ का पेमेंट है जो आपको ऑनलाइन करना होगा। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हैव यू डन पेमेंट JSSC, यानी आपने यहां पर 2018 या फिर 2022 के जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया था, तो यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस ऑप्शन पर जाने के बाद यस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यदि आपने 2018 या 2022 के फॉर्म को फिलअप किया था उस कंडीशन में, देन आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना होगा। देन दोस्तों, यहां पर अगर आप यहां पर फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर कैंडिडेट से अप्लाई करते हैं, तो आप इस सेक्शन में नो रहने देंगे। देन इंडियन सिटीजन है तो आप जनरली यस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यदि आपके पास रेसिडेंट ऑफ झारखंड का सर्टिफिकेट है तो ही आप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस सेक्शन में यस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जो आपका सर्टिफिकेट है उसका डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले तो देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट आपका क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जेंडर ऑप्शन मिल जाएगा, जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एंड जब आप यहाँ पर इस ऑप्शन में जैसे कि लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड ऑप्शन में जाकर के यदि आप यहां पर यस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, तब आपको यहां पर रिजर्वेशन कैटेगरी में ऑप्शंस मिल जाएंगे, जहां पर आप यहां पर देख सकते हो जनरल SC ST EBC BC2 या फिर EWS किसी भी कैटेगरी से आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको बता दूं, यदि आपके पास लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है, झारखंड का अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस कंडीशन में आपको यहां पर नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि आप यहां पर जनरल कैंडिडेट से ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्लियर हो जाना है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर डिटेल फिलअप करने के बाद जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो सिंपली जनरल ऑप्शन ही देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आपको सारी डिटेल फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएगा कैलेंडर का, जिसकी मदद से यहां पर सबसे पहले तो आप अपने ईयर ऑफ बर्थ का आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपने मंथ को सेलेक्ट करना है, यहां को आप अपने डेट को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आई कंफर्म, देन आप यहां पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अपने एप्लीकेंट का नेम देना होगा। यहां पर आपका जो भी नेम होगा कंप्लीट नेम आप इस सेक्शन में फिलअप करेंगे। फादर नेम आप इस सेक्शन में फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका फादर नेम होगा। मदर नेम देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप अपने मदर नेम को फिलअप करेंगे। जेंडर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो जेंडर आप यहां पर मेल सेलेक्टेड मिल जाएगा। मैरिटल स्टेटस आप यहां पर मैरिड हो अनमैरिड हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपको बाकी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। नीचे सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर आधार कार्ड नंबर देने का ऑप्शन आता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपके पास है आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक रहने देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके बॉडी पर कोई भी कट मार्क है या फिर कोई भी बर्न मार्क है तो आप उसकी डिटेल यहां पर दे सकते हो, जैसे कि
अगर आपको यहाँ पर डिटेल देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो अ कट मार्क, जो भी आपका होगा कट मार्क वो आप यहाँ पर इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क टू ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, यदि आपके पास सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक रहने देंगे। यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका होगा लैंग्वेज पेपर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पेपर टू का होगा, जिसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया था कि 3 न्यू लैंग्वेजेस आपके ऐड करे गए हैं, जिसके तहत अब आप किसी भी पेपर से आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो और उसके एग्जाम को दे सकते हो। ऑप्शन सब आपको यहाँ पर ढेरों सारे देखने को मिल जाएंगे, टोटल 15 आपको लैंग्वेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है वो आपका न्यू ऐड किया गया है। तो आप इस सब्जेक्ट को भी लेकर के एग्जाम देना चाहते हो सेकेंड पेपर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा परमानेंट एड्रेस का, तो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 सेक्शन में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर लेना है। एड्रेस लाइन 2 सेक्शन में आप अपने पोस्ट ऑफिस फिलअप कर सकते हो, पुलिस स्टेशन 3 में फिलअप कर लीजिएगा, 4 आप यहाँ पर ब्लैंक रहने देंगे। इसके साथ आपको सिटी नेम देखने को मिल जाएगा, सिटी या फिर विलेज, जो भी आपका नेम होगा सिटी या विलेज का वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, आप अपने एरिया का पिन कोड आप इस प्रकार से यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिलअप करने के बाद आप देख सकते हो जो भी आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे, यदि आपका वही एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस के तौर पर भी है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इस ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा तो एज इट इज़ फिलअप हो जाएगा। नीचे उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर देना है, अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म करेंगे, ईमेल आईडी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करेंगे एंड अपनी ईमेल आईडी को आप यहां पर कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको नीचे सेक्शन में क्वालिफिकेशन डिटेल भी देनी होगी, तो आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले तो यहां पर आपको 10th क्लास की ही डिटेल देनी है, क्योंकि यह जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी 10th बेसिस पर है। तो आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले जो आपको यहां पर 10th क्लास में नेम ऑफ द स्कूल में आपने जिस भी स्कूल से अपने 10th को कंप्लीट किया आप यहां पर नेम को फिलअप करेंगे। बोर्ड आपका जैसे जो भी होगा, जैसे कि जैक बोर्ड है तो आप यहां पर जैक बोर्ड टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी होगा ऑप्शंस की मदद से सेलेक्ट करेंगे एंड परसेंटेज आपका कितना आया था, परसेंटेज आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। इस प्रकार से सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल आपने फिलअप करी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको क्रैप्चा देखने को मिलता है क्रैप्चा एज इट इज़ आप इस सेक्शन में फिलअप करेंगे। देन आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ कोई भी एडिट करना है जो आपका गलती हो जाता है तो आप सबसे पहले सारी डिटेल को चेक करने के बाद एडिट करना है तो आपको यहाँ एडिट ऑप्शन भी मिल जाता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। चलिए सारी डिटेल सही है तब आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा, आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो। देन आप यहां पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। देन अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैंडिडेट लॉगिन का, आप इस ऑप्शन पर आकर के आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वह रजिस्ट्रेशन नंबर आप इस सेक्शन में फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, क्रैप्चा आपको एज इट इज़ यहाँ पर फिलअप करने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों पेज आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए कि आपको कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। इसी के साथ आपको एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिल रहा होगा, तो आपको बता दूं आप यहाँ पर GSSC की किसी प्रकार के फॉर्म को फिलअप करेंगे तो मिनिमम आपको 3 से 4 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि इस प्रकार से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन अब आपको बता दूं कि 24 घंटे के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो 24 घंटे के बाद में अब आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, देन जाकर के आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो 24 घंटे बाद जब आप पेमेंट करेंगे फिर उसके 24 घंटे बाद आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद आप अपने एप्लीकेशन स्लिप को फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो। सो सिंपली जब आप यहाँ पर पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं SBI कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको मिल जाएगा JEE CCE, तो आप इस ऑप्शन को ही सेलेक्ट
करेंगे, यही आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का ऑप्शन है। जिसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देखने को ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर देना होगा। देन फैच पेमेंट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके फैच करना होगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद आप इस प्रोसेस को करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल शो नहीं होंगे, तो आप यहाँ पर 24 घंटे बाद आप इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जेएसएससी की वेबसाइट से आप एक्साइज कांस्टेबल के लिए कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस के तहत कर सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको यहाँ पर जानना है कैसे आपको पेमेंट करना है, देन कैसे आप फोटो साइन अपलोड करेंगे, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो इस टॉपिक पर। कंप्लीट प्रोसेस का साथ वीडियो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूँ। सो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।